शिल्पग्राम उत्सव इतिहास, संस्कृति और विरासत को सहेजने वाला एक ऐसा ग्राम है जिसकी कल्पना 1989 को की गई थी और उसके बाद से लगातार जो है यहाँ एक धुन सुनाई दे रही है। लगातार तीन पीढ़ियाँ अभी तक हो चुकी हैं और लगातार तीन पीढ़ियों से ये कला साधना अनवरत रूप से जारी है। मैं अभी बात करूँ आपको तो जहूर खां मेवाती जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, उनके दादाजी थे पद्मश्री। बपंग को लेकर उन्होंने जो अद्भुत काम किया उनको ये पुरस्कार मिला। उसके बाद में उमर फारूक खां आए और उन्होंने अपनी बपंग कला के से पूरे शिल्पग्राम को बींद कर रख दिया। और उसके बाद जब उनके रुखसत होने की घड़ी आई तो उनके बाद यूसुफ खां जो उनके पुत्र श्री हैं वो इस कला को सहज रहे हैं। यानी कि तीन जो पीढ़ी हैं इस बपंग कला को। आज हमारा जो आप पीछे वीडियो में आप देखेंगे, अभी आपने ज़बरदस्त धमाकेदार प्रस्तुति देखी, वो उनके जो कह सकते हैं एक नायक के भूमिका में अभी यूसुफ खां हैं। और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर बपंग होता क्या है और कब से। तो भाईजान, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ कि आप हर बार शिल्पग्राम में आते हैं और अपनी बपंग कला से सबको मुरीद करके चले जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया आप सबका। मेरा नाम यूसुफ खान है, जैसा कि भाई साहब ने बताया है। मैं मेरे परिवार से 20वीं जनरेशन में आता हूँ इस बपंग को बजाने के लिए। अच्छा। मेरे दादाजी 18वीं पीढ़ी में थे, 19वें में मेरे पिताजी आए। मेरे पिताजी नैनीताल में ऑन स्टेज पर साइलेंट अटैक आ गया था उनको कार्यक्रम करते हुए। तब मैं किनको? मेरे पिताजी को। अच्छा। तब मैं सिविल इंजीनियर की जॉब करता था, लेकिन पापा के जाने के बाद मैंने अपनी जॉब को रिजाइन दे दिया था, क्योंकि ये जो बपंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे परिवार में हमें विरासत में मिला। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्रीमान जहूर खान मेवाती लगभग 75 देशों में उन्होंने अपनी बपंग की प्रस्तुति दी। एक फिल्म आई थी आंखें धर्मेंद्र की, उसमें गाना था दे दादा के नाम तुझको अल्लाह रखे। महमूद साहब पर्दे पर बजाते हैं लेकिन बैकग्राउंड में मेरे दादाजी ने बजाया है। उसके बाद कई फिल्में आई, गंगा जमुना, नया दौर, सन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, किशोर कुमार की। दादाजी को 93 में नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ था। पापा मेरे उस समय टूरिज्म डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। पापा ने जॉब को रिजाइन दिया, फिर इसी कला को अपना पेशा चुना। लेकिन पापा जब 2017 में एक्सपायर हुए तो, और मेरे पिताजी को भी 2007 में नेशनल अवार्ड मिला था, तो एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर बन गई थी। तो मैंने, छोटा भाई है मेरा, उनको सिखाना स्टार्ट किया। मेरे चाचा हैं, आज मेरे जो बच्चे हैं 21वीं जनरेशन में, वो भी सीख रहे हैं, बजा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो मेरे दादाजी पिताजी का एक नाम था वो विलुप्त ना हो, और बपंग जिस प्रकार हमारे दादाजी पिताजी बजाते थे, कोशिश कर रहे हैं उसी प्रकार से ये बजे। शिल्पग्राम उत्सव का और वैजन कल्चर सेंटर का मैं तहे दिल से आभारी हमेशा रहूँगा, क्योंकि 98 से जब इनका ओपनिंग हुआ, उद्घाटन हुआ, तब से मेरे दादाजी पिताजी को कंटिन्यू बुलाया। पापा के जाने के बाद मुझे भी हर साल प्रोग्राम के बुलाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लोक कला है वो विलुप्त ना हो। और बपंग बेसिकली पूरे भारत में बजाया जाता है, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे राजस्थान में बपंग कहते हैं, महाराष्ट्र में चौंडका कहते हैं, गुजरात में अपंग कहते हैं, असम में घुड़की कहते हैं, बंगाल में बाउल जाति खमाक के नाम से बजाती है, हरियाणा में तुम्बा कहते हैं, पंजाब में बगचू या बगल बच्चू कहते हैं, और यूपी में घुड़का कहते हैं। तो लेकिन राजस्थान में बपंग कहा गया है, और बपंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लेके गए थे वो मेरे दादाजी थे। और ये कड़वी लौकी की तुम्बी का बनता था पहले, जो साधुओं का कमंडल होता है, लेकिन बरसात नहीं आने के कारण ये इस डमरू नुमा वाद्य यंत्र में बदला, जिसके एक तरफ लेदर होता है और दूसरी तरफ प्लास्टिक का वायर, और उसको एक शीशम की लकड़ी से रोक दिया जाता है। दूसरे हाथ में एक लकड़ी होती है जिसको कीलड़ी कहा जाता है। कीलड़ी कीलड़ी
इससे इस पे प्रहार किया जाता है, तब जाके ये भपंग बजता है। इसके तरंगों से देखिए, इसमें ताल और सुर दोनों चीजें हैं। अब ताल की अगर बात करते हैं तो हम ये ताल ऐसा जिसे कहरवा बजाना हो रहा है तो ये हो गया, अगर जैसे बात करते हैं किसी भी गाने की, अभी फिल्मी में चल रहा है मेरे रस के कंवर, तो हम लोग जैसे ये तार का भी वाद्य यंत्र है तो कोशिश करते हैं इसमें वो गाना भी निकले, जैसे कि हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, तार वाद्य में भी और ताल वाद्य में भी। ये पहला, मेरे हिसाब से ये पहला वाद्य यंत्र होगा जिसमें तार ताल और जो सुर है वो दोनों, ये इकलौता वाद्य यंत्र है, बिल्कुल। इसका भगवान शिव से गहरा जुड़ाव रहा है। भपंग जैसे राजस्थान में कहते हैं तो भपंग को तीन शब्दों में बांटा गया है, भैसे भोले यानी कि शिव शंकर, पैसे पंडित यानी विष्णु भगवान, और गैसे गोरखनाथ, गोरख के ओघड़ हुए ओघड़ के इस्माइल नाथ, वाकी हम औलाद हैं सुनो हमारी बात। हम लोग मुस्लिम जोगी हैं और जोगियों का शिव जी से संपर्क रहा है, तो इसलिए ही भपंग को तीन शब्दों में बांटा गया है। हमारे जो मुस्लिम जोगी समाज है वो आज भी शिवरात्रि पर शिव स्तुति करते हैं। अच्छा। और शिवालयों में पूरी पूरी रात भर शिव जी की कथाएं गाई जाती हैं। मेवात में 12 गोत्र जो है हमारे हिंदुओं की आती है। मेवात में, मेवात क्यों कहा गया उसको, क्योंकि वहाँ पे एक मेव बाहुल्य क्षेत्र है, वो मेव कम्युनिटी के ज्यादा लोग बाग रहते हैं और अरावली पर्वतमाला से वो घिरा हुआ है, इसलिए उसको मेवात कहते हैं। मेवात में मेव कम्युनिटी के 12 गोत्र हैं, जिसमें 5 गोत्र हैं तोमर वंशी के, 5 गोत्र हैं यदुवंशी के, और 2 गोत्र हैं कछुआहा के, राजा रामचंद्र जी के। और मेवात में मेव कम्युनिटी के मुस्लिम समुदाय के शायर हुए हैं जिन्होंने रामायण को लिखा है। अच्छा। जिन्होंने महाभारत को लिखा है, जिन्होंने कृष्ण लीला को लिखा है, और उनको एक अलग अलग नाम दिया गया, जैसे कि महाभारत को कहते हैं पंडुन का कड़ा, जिसको सादल्ला शायर और उनके भतीजे नबी खान ने लिखा है। ऐसे ही लंका चढ़ाई जिसको निजामत मेव कारोली वाले ने लिखा है, ऐसे ही कृष्ण लीला जिसको भोला शायर ने लिखा है, सादी शायर ने लिखा है वहाँ के मेवात के। और उनको गाने वाले भी मुस्लिम हैं। अच्छा। उनके सुनने वाले भी मुस्लिम हैं। ये मेवात की कौमी एकता की बात है कि उसके लेखक हैं वो मुस्लिम हैं, गाने वाले भी मुस्लिम हैं और दर्शक भी मुस्लिम हैं। तो मेवात में ऐसी 40 लोक कथाएं हैं, मैं उन लोक कथाओं पे भी काम कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि पहले ये क्या है कि बुजुर्ग जो थे उनके पास में सिर्फ ओरल रूप से था, ये कोई लिखित नहीं थी, पढ़ाई की उसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सीख के रिकॉर्ड करके लैपटॉप में डाल के फिर वापस ईयरफोन से सुन के फिर लिख रहे हैं। तो अभी तक मैं मेवात की 17 लोक कथाएं वो लिख चुका हूँ। कौन कौन सी होगी उसमें? जिसमें लंका चढ़ाई है, कृष्ण लीला है। हम लंका चढ़ाई की थोड़ा सा झलक अगर हम देखना चाहें जी, लंका चढ़ाई मैं आपको वहाँ से बताना चाहूँगा। मेवात में कहा गया है कि जब राजा रामचंद्र जी वहाँ जाते हैं लंका में, तो उनके साथ में कौन कौन लोग होते हैं, तो उसके लिए पूरी टीम होती है। लेकिन मैं एक दोहे के माध्यम से आप सबको बताता हूँ। एक लग कई हजार चढ़े राजा के भिस्ती, बेलदार लग चार चढ़े बांधन को पुछती, पोसत और अफीम भांग बेचे तम खेरा, जिनके अंतन पार लादते तंबू डेरा, 1828 बेचते पान मिठाई, 5232 चढ़े खिजमत को नाई, चातर को लिख लीजिए द्वाद कलम ले हाथ, इतना दल को ले चलो जिनके महादेव हो साथ। तो राजा रामचंद्र के साथ में ये पूरी सेना की सेना वहां पे गई थी। मैं मानता हूँ कि जब आप 17 से 40 तक जाएंगे तो शायद आपका वो मुकाम होगा जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। आज अपने जिस सहजता के साथ में इंटरव्यू देने के लिए हाँ किए, हम आपके मुरीद हो गए, साथ में आपकी कला के तो हम मुरीद हैं ही हैं। शुरू से एक बात आती है जो मैं हर कलाकार से पूछता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कहीं ना कहीं एक कला से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि एक कलाकार के मन में ये टीस रहती है कि उसे अपनी कला का वास्तविक परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो आपके जीवन में भी वो चीज है या नहीं है? देखिए, दरअसल मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पश्चिमी राजस्थान की जितनी भी लोक कलाएं हैं उन सबको आज हर कोई प्रमोट करने में लगा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में लंगा मंगनिहार कम्युनिटी, कालबेलिया कम्युनिटी को
विश्व के एक अच्छे पटल पे देखा जाता है, लेकिन मेवात में भी 40 लोक वाद यंत्र हैं जो बिल्कुल विलुप्त हैं। मेवात में जोगिया सरंगी है, अलगोजा है, भपंग है, चिमटा है, घंजरी है, तुमड़ी है, चंटर है, बैन है, नगाड़ा है, ऐसे ना जाने कितने वाद्य यंत्र हैं। जोगिया सरंगी के भी 3 रूप हैं, जोगिया सरंगी है, चिकारा है, अदिया है। लेकिन उस तरफ से एक मेरे जो दादाजी थे उनको भपंग में एक अच्छा मुकाम मिला, जिसकी वजह से हम लोग आज तक भी चले आ रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मेवात के जो पिछड़े लोग वाद्य यंत्र हैं उनको हम वो मुकाम दिलवाने की कोशिश करें। लेकिन क्या होता है कि एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम साल में मिलने से, मंच मिलने से उनका घर का गुजारा नहीं होता, तो फिर वो गाना बजाना उनसे छोड़ जाता है। परिवार वाले कहते हैं साल में 2 प्रोग्राम बजाने से घर नहीं चलता, इससे अच्छा तो बेलदारी से। पछताना भी होता है कि मैंने सिविल की जॉब छोड़ के मैं लोक कला में आया हूँ। कोविड में हाल सभी कलाकारों के बेकार थे, किसी डिपार्टमेंट ने ये नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, या कोई 2000 रुपये की अगर मदद भी हो तो वो भी नहीं हुई है। लेकिन हौसला भी बढ़ता है कि जब ऐसे मंच मिलते हैं तो लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। हमारे को जिस रब ने हमें जिस वजह से भेजा है उसके सामने वो भूमिका अच्छे से निभा के फिर जाना है। जी बिल्कुल। पिताजी ने आपके 17 से पहले एक बात मंच पर ये कही थी कि मैं मेरे पिताजी का 1% भी सही तरह से नहीं बजा पा रहा हूँ, तो आपके पिताजी का आप कितना परसेंट बजा पा रहे हैं? सर मैं तो उनकी धूल के बराबर भी नहीं, क्योंकि जब हमें सीखने का मौका मिला तब पापा चले गए। मैं 2012 तक मैं पढ़ाई करता था, लेकिन मैं 98 से पापा के साथ में जुड़ा हुआ था, तो जितना पापा से ले पाया वो लिया। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं प्रोग्राम भी बजा रहा हूँ और पब्लिक को अच्छा भी लग रहा है, साहब लोग खुश भी हो रहे हैं। सिर्फ ये उन बुजुर्गों की मेरे ऊपर दुआ है, उनकी मेहर है, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं क्योंकि कला का तो मुकाम ही अलग है, गाना बजाना हम लोगों से बहुत दूर है। पर ये भपंग है, दादाजी हमारे ऊपर एक ऐसी दुकान बना के चले गए कि दादाजी के नाम से भी लोग बाग बुला लेते हैं, नाम चल रहा है, बस नाम चल रहा है। बहुत ही सुंदर बातचीत भाईजान ने की हमारे साथ में, और कई सारी ऐसी चीज जो इनकी जो पढ़ाई है जिस वजह से पढ़ाई चल रही है, हम फिर अगले साल जब मिलेंगे तो 17 से 40 का आंकड़ा हम देखना चाहेंगे आपसे, और हम वो जो सारी जो आपकी पढ़ाई जो सभी चल रही है और जिस चीज़ को आप सहज रहे हम बड़े इत्मीनान से देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये समय दिया, इतने व्यस्ततम समय में निकाला। जय मेवाड़, जय। जो काम करते वो है एक्टर।
आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टाइम है इधर और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा और बहुत अच्छा लगा। क्या 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 खास लगा आपको? खास तो मतलब वो बजाने का जो उनका ट्रिक था बहुत ही यूनिक था, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा तो काफी अलग। कहाँ से आए? मुंबई से। मुंबई से आए, पहली बार आए? फर्स्ट टाइम। सिंघम में आपको घूम के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत मस्ती किए, डांस किए उधर, वो डांस वांस हो रहा था उधर। इस तरह का सिंघम का जो उत्सव आपने कहीं इंडिया में कहीं देखा है क्या? नहीं, इंडिया में तो राजस्थान में ही देख रही हूँ मैं, बाकी लखनऊ में भी होता है उत्सव, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। आपको भी कैसा लगा? मुझे भी, मैं मुंबई से। ये भी मुंबई से है, तो आप भी प्रथम बार यहाँ आए शिल्पग्राम? हाँ, पहली बार आई हूं। तो आपको, आपने आज अभी जो परफॉर्मेंस हुई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग है इसमें। और शिल्पग्राम में भी प्रथम बार यहाँ? हाँ, पहली बार। आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत यूनिक स्टाइल है जैसे इन्होंने बोला। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है, अभी और भी देखना है मुझे, तो अभी जस्ट लास्ट का एक क्लिप देखा था उनका जी, उसके बाद और भी देखेंगे।